Good morning class, this is our new Anna Physio class in which today we will study about the remaining portion of male reproductive system, that is today we will study about the sperm. Important structure hai bhai, cell hai ye, male reproductive cell hai jo ki reproduction mein helpful hoti hai. To sabse pehle release of sperm. सीमेन का इजेक्शन पैनिस से होता है. इस प्रोसेस को अपन इजैक्यूलेशन कहते हैं. ये डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. इजैक्यूलेशन क्या है? पैनिस है सीमेन का इजेक्शन या रिलीज ऑफ सीमेन. इजैक्यूलेशन तब होता है जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मसल्स जो होती हैं और ब्लैडर का बेस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मसल्स और ब्लैडर का बेस जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो सीमेन को फोर्स करते हैं यूरेथ्रा से बाहर. उसी को अपन इजैक्यूलेशन कहते हैं. इस इजैक्यूलेशन के दौरान बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म सेल्स जो होती है वो रिलीज होती है एक इजैक्यूलेशन में. ये इजैक्यूलेशन तब होता है जब पेनिस अपनी इरेक्टाइल स्टेट के अंदर होती है. सेक्सुअल डिज़ायर के दौरान, लिबिडो के दौरान, जब सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा होता है, इंटरकोर्स जब चल रहा होता है जिसको आप कॉइटस भी कहते हैं, उसके दौरान पेनिस इरेक्ट होती है. और उस इरेक्ट स्टेट के वो इरेक्ट स्टेट भी तभी होती है जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर ये ब्लैडर का बेस कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो इरेक्शन होगा. इरेक्शन के दौरान इजैक्यूलेशन होएगा. ये स्पर्म की स्ट्रक्चर दिखाई गई है भाई. देखिए, हेड, मिड पीस, प्रिंसिपल पीस और एंड पीस, या हेड, नेक, बॉडी और टेल. ये चार सेगमेंट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल. स्पर्म का हेड आप देख सकते हैं ओवल शेप का होता है जिसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई गई है. सब ऊपर उसके एक कैप होती है जिसको आप एक्रोसोमल कैप कहते हैं. आउटर इनर मेम्ब्रेन्स इसमें होती हैं. ये इक्वेटोरियल सेगमेंट दिखाया गया है इसका. पोस्ट एक्रोसोमल शीट है जो एक्रोसोम के पीछे ये शीट जो बनी पड़ी है. ये न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ एनवलप रहता है. ये कनेक्टिंग पीस है जो कि हेड को नेक से जोड़ रहा है. ये माइटोकॉन्ड्रियल शीट है. फिर जेंसन्स के रिंग बताई गई है और एक्जीनोम फिलामेंट बताया गया है. ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फीचर 0.06 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है. हेल्दी स्पर्म सेल वाइट कलर का होता है जिसकी लाइफ स्पान 38 से 72 घंटे, या 38 को कहते हैं क्या, पता नहीं किस, 48 से 72 घंटे इसकी लाइफ स्पान होती है. स्पर्म की लाइफ स्पान. फंक्शन, ये एग में सेट ऑफ जीन्स को डिलीवर करता है जो कि एग को स्टिमुलेट करता है और फिर उसमें डेवलपमेंट शुरू होएगा. पहले फ्यूज़न होएगा, जायगॉट बनेगा और फिर उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा. एग को स्टिमुलेट करता है ताकि उसमें डेवलपमेंट हो सके. ये स्पर्म का पाथवे देखिए जी. हमने हालांकि सिंपल सा पाथवे है, टेस्टिस में बन रहे हैं ये. एपिडिडाइमस से होते हैं वासा डिफरेंस में, वासा डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएंगे. आपको यही वाला डायग्राम बनाना है भाई एग्जाम के अंदर भी. प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या जाएंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रीशन, सेमिनल वेसिकल सीक्रीशन वगैरह इसके अंदर ऐड होंगे. जो ट्यूब आगे जा रही है यूरेथ्रा में खुल रही है तो ये यूरेथ्रा में सारी ग्लैंड अपना सीक्रीशन डालेगी और यूरेथ्रा पेनिस के अंदर रन कर रही है और पेनिस के थ्रू ये अपना सीक्रीशन जो है वो बाहर इजेक्ट करेगी, या इस सीमेन को जो है बाहर इसका इजैक्यूलेशन होगा. फिर हमने लिखा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो फ्लूड को ल्यूब्रिकेट करती है जिससे कि स्पर्म का पैसेज वे बनता है इस यूरेथ्रा में. यूरेथ्रा में आराम से वो मूव करता है इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सीक्रीशन के द्वारा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्क्रॉटम. किसकी बनी होती है भाई? स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू से बनी होती है. इसका वर्टिकल सेप्टम सबक्यूटेनियस टिश्यू का, वर्टिकल सेप्टम क्या है? सबक्यूटेनियस टिश्यू का वर्टिकल सेप्टम सेंटर में डिवाइड होता है दो पार्ट्स के अंदर. हर एक के अंदर एक टेस्टिस पाई जाती है. स्मूथ मसल फाइबर्स इस सबक्यूटेनियस टिश्यू में कॉन्टैक्ट होते हैं ताकि
कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और स्क्रॉटम को एक रिंकल्ड अपियरेंस देते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू स्मूथ मसल फाइबर्स, सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के स्क्रॉटम को एक रिंकल्ड अपियरेंस देते हैं। रिंकल दिखाई देते हैं ना स्क्रॉटम का पार्ट, देखो वो इसी वजह से दिखाई दे रहा होता है। क्रेमास्टर मसल्स जो होती है वो स्क्रॉटम और टेस्टिस की पोजीशन को कंट्रोल करने का काम करती है। और जब ये कोल्ड की कंडीशन होती है, ठंड की कंडीशन है, और मैन जब सेक्सुअली अराउज होता है तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे टेस्टिस बॉडी से क्लोज़र पुल होती है और वो एरिया जो है वो वार्म्थ हो जाता है, गर्मा हटा जाती है उस एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे कोल्ड से वार्म्थ कंडीशन अराइज होती है। तो सेक्सुअल अराउज के दौरान ऐसा होता है, इसीलिए उस दौरान काफ़ी स्वेटिंग वगैरह भी हो रही होती है। ये स्क्रॉटल के स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं भैया, स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस, उसके ऊपर एपिडाइमस जो कि बाद में स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से ही लटकी हुई बताई गई है स्ट्रक्चर। ये वही डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम है, यूरिनरी ब्लैडर के ट्राइगोम, प्रोस्टेट, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा वगैरह बताया। डायग्राम आप खुद से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, इजी डायग्राम है, क्लियर बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर जो है वो निकल रही है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।